बिजली कर्मियों ने मशाल जुलूस निकाल कर किया प्रदर्शन। चार सूत्री मांगों को लेकर नाराज हैं कर्मचारी। जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 2 महीने से कर रहे प्रदर्शन। अमेठी में संविदा बिजली कर्मियों ने रविवार शाम को मशाल जुलूस निकाल कर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले नवे चरण का प्रदर्शन रविवार शाम को शुरू हुआ, जिसमें बिजली कर्मियों ने मशाल जुलूस निकाल कर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। रिटायर्ड फौजी के लिए आए हैं जिनके पास काम का कोई अनुभव नहीं है, और साथ ही साथ हमारे लिए जो सुरक्षा उपकरण होने चाहिए उपकरण नहीं है। आए दिन हमारी वो मात्र लेबर का है, जिन्हें हमको जो वेतन मिल रहा है वो एक सड़क चार में चौराहे पे लेबर मिलते हैं उस रेट से वेतन मिल रहा है। काम हमारा घातक प्रवृत्ति का है, 1 सेकंड में अगर जरा सी चूक हो जाए जान चली जाती है। इन सब चीजों को लेकर के हमने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन संविदा कर्मचारी संघ के कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार मौर्य का कहना है, सरकार ने पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से आदेश करवाया था कि 10 साल से काम कर रहे संविदा एसएसओ को हटा के उनकी जगह पर रिटायर्ड फौजियों को रखा जाएगा, और अगर रिटायर्ड फौजी आ जाते हैं तो आए दिन दुर्घटना और लोगों की मौतें होंगी क्योंकि उनको इस काम का अनुभव नहीं होगा। जिस पर संविदा बिजली कर्मियों का कहना है कि उनको उनकी योग्यता के अनुसार विभाग दिया जाए। हमारा संघ जो है 2 महीने से ज्ञापनों के माध्यम से सरकार को सूचित कर रहा है कि हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए, जो हमको अल्प वेतन मिल रहा है इसमें सुधार किया जाए, और जो हमारे जो बीच में जो टेंडर होता है वो बहुत कम का होता है, और जो अभी एसएसओ जो कार्य कर रहे हैं 10 सालों से उनकी जगह पर सरकार ने आदेश करवा दिया है। बिजली विभाग की तरफ से पावर कॉर्पोरेशन ने यह आदेश किया है कि जो रिटायर जो संविदा एसएसओ हैं काम कर रहे हैं उनको हटा के उनकी जगह पर रिटायर फौजियों को रखा जाए, और जो रिटायर फौजी हैं वो अगर आ जाते हैं तो आए दिन दुर्घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि वो अभी सीमा पर से आए हैं, उनको कार्य का या बिजली का कोई अनुभव नहीं है। हम लोग जब 10 साल से काम कर रहे हैं तब भी कभी कभी चूक हो जाती है, तो जो रिटायर फौजी आएंगे वो अगर आ गए तो हम लोगों की आए दिन मौतें होती रहेंगी, दुर्घटनाएं और बढ़ जाएंगी, और जो पूर्व से कार्य कर रहे हैं 10 साल से जिन्होंने अपना आधा जीवन एसएसओ में बिता दिया है, अपनी जवानी एसएसओ में बिता दी है, वो बेरोजगार हो जाएंगे। साथ ही संविदा कर्मचारियों ने उनके साथ भेदभाव न करके वेतन 18,000 निर्धारित करने, दुर्घटना में कर्मचारियों की मौत होती है तो मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, और ईपीएफ घोटाले की जांच करके ईपीएफ जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की। उपरोक्त मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया। फौजी आते हैं, रिटायर फौजी आते हैं तो लगभग 7 या लगभग 10 या 12 हजार एसएसओ रिटायर हो जाएंगे। उसी के संबंध में हम लोगों ने जो है ये 1-2 महीने से ज्ञापन दिया जा रहा है जिलाधिकारी के माध्यम से, मुख्यमंत्री को, जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को, माननीय विधायकों के माध्यम से जो है मुख्यमंत्रियों को, माननीय सांसदों के माध्यम से, माननीय जिलाध्यक्षों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि हम लोगों की मांगों पर विचार करके हम लोगों को सहानुभूतिपूर्वक हम लोगों को जीने लायक वेतन दें। जो हमारी मांगे हैं कि हम लोगों को न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये दें, और जो शासन द्वारा जो नियम लगते हैं उस पर थोड़ा बहुत जो भी लगता है वो दें बस ये, और जो हमको सुरक्षा उपकरण नहीं है वो सुरक्षा उपकरण कराए, जो हमारा ईपीएफ ईएसआई है वो दिया जाए, क्योंकि ईपीएफ की ईएसआई की कहीं पीएफ कट रहा है कहीं नहीं कट रहा है। किसी कर्मचारी के पास ईएसआई कार्ड है, बाकी किसी कर्मचारी के पास एक पावर हाउस पे एक कर्मचारी के पास ईएसआई कार्ड है, बाकी अगर 10 कर्मचारी हैं तो वहाँ 9 के कर्मचारी के पास ईएसआई कार्ड भी नहीं है। विद्युत संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 2 महीने से ज्ञापन के माध्यम से सरकार को सूचित कर रहे हैं कि हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए, लेकिन अब तक सरकार ने इस पर कोई एक्शन लेना तो दूर ध्यान तक नहीं दिया।
अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि कब सरकार विद्युत संविदा कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान देगी और कब एक्शन लेगी, और अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो क्या यूं ही विद्युत संविदा कर्मचारियों को आए दिन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना पड़ेगा। ये खबर अमेठी से हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने कवर की है। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।